नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में चैप्टर 8 के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा, ईस्ट प्लेज्मोडियम लेस्मानिया, ये चार विकल्प दिया है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, तो बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो चार विकल्प है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो ये सही विकल्प है, ये पुरुष में होता है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी मादा जनन तंत्र है, लेकिन शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र है। अगला प्रश्न है, तीसरा, पराकोष में होते हैं वाह्य दल, अंडाशय, अंडा, पराकण, चार उत्तर दिया है और सही उत्तर है पराकोष में होते हैं पराकण। अब देखें चौथा प्रश्न, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में जनन के क्या लाभ हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है। अलैंगिक जनन में संतति यानी जीव की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है, जो जनन जीव के लगभग समान होती है, यानी जो जीव पैदा करता है उसी के लगभग समरूप होती हैं, क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए से प्रतिकृति प्राप्त होती है इसमें विविधता कम होती है, जिससे परिवर्तन एवं विकास के अवसर कम होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में संतति उत्पत्ति हेतु दो जीव भाग लेते हैं, अतः दो जीवों से प्राप्त डीएनए अधिक विविधता को बढ़ावा देता है, इससे संतति के परिवर्तन एवं विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। जिससे वो अपना अस्तित्व अच्छी प्रकार से कर सके। अब देखिए पांचवा प्रश्न, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, मानव में वृषण के कार्य, पहला, वृषण नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है। दूसरा है, वृषण टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन एवं श्रावण करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पुरुषों में सेक्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है, वृषण को अंडकोश भी कहा जाता है। यह शुक्राणु उत्पादन के साथ साथ उसका भंडारण भी करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न, ऋतुस्राव क्यों होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, अंडाणुओं का निषेचन शुक्राणुओं द्वारा होता है। यह निषेचित अंड पोषण के लिए गर्भाशय में चला जाता है। जब अंड निषेचित हो जाता है तो पोषण के लिए गर्भाशय में चला जाता है, क्योंकि गर्भाशय निषेचित अंड के पोषण के लिए हर माह तैयारी करता है, गर्भाशय की अंतःभित्ति यानी अंतःभित्ति भीतरी दीवार मांसल और स्पंजी होती है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है
यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय की भित्ति यानी भीतरी दीवार जो होती धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर आती है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो अंतर्भित्ति यानी गर्भाशय की अंतर्भित्ति धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर आती है। इस प्रक्रिया में लगभग एक माह का समय लगता है। यह प्रक्रिया जो होती है लगभग एक माह का समय लगता है। इसे ही ऋतुस्राव या रजव धर्म कहते हैं। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न सातवें पर। तो देखिए सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, यह है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। तो आप देख सकते हैं कि यह है वर्तिकाग्र, वर्तिका है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह अंडाशय है जिसे हम स्त्री, इन सबको क्या कहते हैं, स्त्री केसर। यहाँ है परागकोष, ये है तंतु जिसके द्वारा ये परागकोष लगा हुआ है, तंतु है। और परागकोष और तंतु को हम पुंकेसर यानी स्त्री केसर, ये पुरुष केसर कह सकते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये है दल पंखुड़ी, ये क्या है, पंखुड़ी है, दल पंखुड़ी। और ये आप देख सकते हैं वाह दल है। ये है पुष्प की अनधर काट का नामांकित चित्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न आठवें पर। आठवां प्रश्न है आपके सामने, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां, पहली विधि है यांत्रिक अवरोध। गर्भ निरोधन की यह एक अस्थायी विधि है, इसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए शिश्न को ढकने के लिए कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। यानी गर्भ निरोधन की यह एक अस्थायी विधि है, इसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके, इसके लिए शिश्न को ढकने के लिए कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसे लूप है अथवा कापर टी है को गर्भाशय में क्या किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए अगला जो विधि है, हार्मोन संतुलन में परिवर्तन, यानी हार्मोन संतुलन में परिवर्तन कर दीजिए तभी गर्भ नहीं रह सकता है। इस विधि से मादाएं दवाइयों का प्रयोग करती हैं। इस विधि में मादाएं यानी स्त्रियां दवाइयों का प्रयोग करती हैं जो सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है, जिससे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है। जिससे हार्मोन संतुलन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और अंडे का विमोचन नहीं हो पाता, यानी अंडे का निषेचन नहीं हो पाता, अतः निषेचन की क्रिया ही संपन्न नहीं होती। इसलिए संतति नहीं पैदा हो सकती है। अगली विधि है शल्य तकनीक, यह एक अस्थाई गर्भ निरोधन विधि है। इसमें यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यानी जो हम ऑपरेशन कहते हैं, यदि ऑपरेशन करके पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को, जिसमें से शुक्राणु आगे जाते हैं, को अवरुद्ध बंद कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का रुक जाएगा। और यदि स्त्री की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा, दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन संपन्न नहीं होगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दी जाए, आप ऑपरेशन करके उसको बंद कर दिया जाए तो अंड जो होता है गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा और दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन संपन्न नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
नवा प्रश्न, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, एक कोशिक जीवों में जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। जो एक कोशिक जीव होते हैं उसमें जनन, संतति जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, क्योंकि इनमें केवल एक कोशिका होती है। क्योंकि एक कोशिक जीव में केवल एक कोशिका होती है तो यह संभव नहीं है कि जनन के लिए कोई विशेष अंग हो। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा समांतर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका जो होती है विभाजन द्वारा समांतर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती, अर्थात द्विखंडन से जनन होता है। यानी कोशिका ही विभाजित हो जाती है और दो जीव का जनन हो जाता है। जबकि मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अनेक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जबकि जो मलेरिया है, मलेरिया के परजीवी हैं प्लाज्मोडियम जैसे अनेक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। यानी एक ही जीव से अनेक जीव विभाजित हो जाते, बन जाते, अर्थात बहुखंडन द्वारा, संतति जनन होता है। यानी एक जीव से उसका खंडित हो जाता है और बहुत से जीव पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, बहुकोशिक जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि बहुकोशिक जीव होता है जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनकी संरचना जटिल होती है, इनकी बनावट जो होती है जटिल होती है। इनमें संतति जनन के लिए विशेष अंग होते हैं, इनमें संतान पैदा करने के लिए विशेष अंग होते हैं। इस प्रकार के जीव में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जनन के लिए जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनमें वृद्धि प्रसरण तथा उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर नवा का। अब चलते हैं दसवें प्रश्न पर। दसवां प्रश्न, जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के अस्तित्व में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, जनन के द्वारा ही कोई स्पीसीज प्रजाति अपने समष्टि समूह का संतुलन स्थापित कर सकती है। जनन के द्वारा कोई स्पीसीज यानी प्रजाति अपने समूह का संतुलन स्थापित कर सकती है, यानी अपने समान जीव पैदा करके वह अपना संतुलन बनाए रखती है। यदि किसी स्पीसीज में जनन क्षमता नहीं होती है, यानी प्रजाति में जनन क्षमता नहीं होती तो पारितंत्र में विलुप्त हो जाती, यानी इस पृथ्वी से वह विलुप्त हो जाती है, अर्थात उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जनन के समय डीएनए की प्रतिकृति बनती है। जनन के समय क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृति बनती है, यानी जनन जो होता है उस डीएनए उसमें मेन भूमिका निभाता है, जो शरीर की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। ये डीएनए ही शरीर की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा डीएनए होगा वैसा ही शरीर की संरचना होगी। डीएनए अपने संतति में स्थानांतरित करते हैं जीव। संतति इस प्रकार होती है कि पारितंत्र में अपने अस्तित्व को बनाए रखें। अर्थात जनन ही किसी स्पीसीज की समष्टि के अस्तित्व का आधार होता है। यानी जनन ही ऐसा वह माध्यम है जो किसी प्रजाति के समूह के लिए अस्तित्व का आधार होता है। 11वां प्रश्न, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए इस अंतिम प्रश्न का उत्तर, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण, पहला है जनसंख्या नियंत्रण। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का प्रमुख कारण है जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। यदि जनसंख्या अधिक होगी तो लोगों के खाने पीने रहने आदि की समस्या होगी। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या पर काबू पाना, क्योंकि संसाधन जो होता है किसी देश के वो सीमित होते हैं। यदि जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाना पड़ता है। अगला है जीव
जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार। यदि किसी देश की जनसंख्या कम होती है तो उस देश के लोगों का जीवन स्तर अधिक उच्च होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या कम है संसाधन के तुलना में तो उस देश का जीवन स्तर बहुत उच्च होता है। जनसंख्या और संसाधनों में उचित अनुपात रहता है तो वहाँ जनसंख्या जो होती है और संसाधन जो होते हैं उसमें उचित अनुपात होता है और लोगों का जीवन स्तर अच्छा रहता है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगला है स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बराबर चलती रहती है, जनन ऐसी एक प्रक्रिया है जो बराबर चलती रहती है। यदि स्त्रियां अधिक बच्चे पैदा करेंगी तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, अतः स्त्रियों को गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनानी पड़ती हैं। यदि स्त्रियाँ जो होती हैं अधिक बच्चे जनन करेंगी तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस नाते गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाना पड़ता है। अगला है और अंतिम है गंभीर रोगों से छुटकारा। यदि माता पिता में कोई गंभीर रोग है तो जनन निरोधक युक्तियां अपना करके संतान नहीं पैदा करते हैं, जिससे इस धरती पर वह बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। यदि किसी के पास कोई जटिल बीमारी है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपना कर उस बीमारी को रोका जा सकता है। नमस्कार।